हर महीने एक सुसाइड करता है ये लड़का छात्र। क्या आप सब हमारा साथ देने के लिए तैयार है? तैयार है। जिसकी वजह से शिक्षकों की अनुपलब्धता में और शिक्षकों की कमी की वजह से बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए। अगर आप जो है भर्तियां नहीं कर रहे हैं तो जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे स्कूलों में, पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे नहीं आएंगे, तो आपका शिक्षक छात्र अनुपात बराबर ही रहेगा। जय हिंद दोस्तों। साथियों, इस समय आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो इसमें वीडियो के शुरू में हालचाल पूछने जैसा कुछ बाकी रह नहीं गया है, क्योंकि सरकार ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा है बीएड और बीटीसी छात्रों को तबाह करने में, परेशान करने में। आप सभी इससे अवगत भी हैं और इस समय इस कठिनाई को झेल भी रहे हैं। ऐसे में साथियों, बहुत सारे साथी जो है लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ट्वीट अभियान के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लगातार सरकार का विरोध प्रदर्शन भी जारी कर रहे हैं, और जो है बहुत सारे टीचर्स का हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। जैसे अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैं भी जहाँ पर वहाँ पर उपस्थित था, हमारे सचिन सर जो है दिल्ली से चलकर आए, हमारे लिए स्पेशली जो है छात्रों के बीच में काफ़ी समय दिया, वहाँ से चलकर आए, साथ में जो है बच्चों को बाद में जाते समय जो है नाश्ता भी करवाया और जो है पूरा समय दिया, बच्चों के साथ काफ़ी समय व्यतीत किया उन्होंने, और अपनी मांग को लेकर, बच्चों की मांग को लेकर, ठीक है, वहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भी गए और वहाँ पर अपना ज्ञापन भी सौंपा और वहाँ से जो कुछ भी निष्कर्ष निकला आकर साकुशल बच्चों को बताया भी, और इसके बाद बच्चों के बीच में एकदम बैठ करके बहुत सारी बातें की, परीक्षा पर चर्चा किया। इसके लिए हमने सोचा कि सचिन सर को एक थैंक्स देना तो बनता है कि उनको यहाँ पर कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली से चलकर वो आएँ, लेकिन हमारे लिए चलकर आए, छात्रों के लिए चलकर आए कि इतना मेहनत बच्चे कर रहे हैं तो हमको जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई अपना अपने सपोर्ट में खड़ा हो जाता है तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, हम में हिम्मत आ जाता है काम करने का। तो अगर साथियों आप जो है बीएड बीटीसी छात्र हैं तो एक बार ध्यान से यह वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ बातें अपनी रखूंगा, ठीक है, जिससे आप झेल रहे हैं। साथ में एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें हमारे रजत भाई, जो कि इस समय प्रदेश के डीएलएड अध्यक्ष भी हैं, रजत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो है उन्होंने भर्ती के लिए इतने दिनों से जो है आंदोलन छेड़ा हुआ है, काफ़ी मेहनत कर रहा है बंदा भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि दिन रात एक करके धरने पर बैठना और इतना जो है भाषण देना, इतना आगे हर चीज़ में खड़े रहना, तो बहुत ही कठिनता है इसमें। लोगों को जो कमरे पर बैठे हैं, एसी में, लाइब्रेरी में बैठे हैं, और जो घर पर बैठे हैं, उनको तो ऐसा लग रहा है कि अरे पैसा कमा रहा है बंदा, धरना दे रहा है, ऐसा करा वैसा करा। एक दिन अगर आप यहाँ पर जाकर बैठेंगे तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग वहाँ पर, जो वहाँ पर हैं, और इसीलिए सचिन सर देखते हुए यहाँ पर आए, बहुत सारे टीचर्स भी हैं, सभी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है छात्रों का दुख दर्द समझा। दोस्तों, आपको पता है कि 2017 बैच से जितने भी छात्र बीएड और बीटीसी किए हुए हैं एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिला है, और आपको पता है कि जूनियर का तो कहीं नामो निशान नहीं है। वहीं अदर प्रदेशों में, ठीक है, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, एक अच्छी खासी भर्ती साल में, ठीक है, दो दो भर्तियाँ, एक भर्ती तो कम से कम मिल ही रही है, अच्छी खासी भर्ती मिल रही प्राइमरी और जूनियर दोनों में। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिले हैं जहां पर सरकार जो है ये ऐसा कार्य कर रही है जिसकी वजह से बहुत सारे प्राथमिक और जूनियर स्कूल बंद हो गए और बहुत सारे बंद होने के कगार पर आ गए। मैं सरकार से कहूंगा कि जब स्कूल में टीचर नहीं होंगे, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगा, तो कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना क्यों पसंद करेगा। आज सभी अभिभावक जो है जागरूक हो रहे हैं, और कितना भी गरीब हो अभिभावक मेहनत करके अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में डालना चाहता है जहां पर गुणवत्तापूर्ण और एक अच्छी शिक्षा उसे मिल सके। लेकिन साथियों, वहीं पर हमारे प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षा के माहौल को, शिक्षा के क्षेत्र को कमजोर करती जा रही है, जिसकी वजह से शिक्षकों की अनुपलब्धता में और शिक्षकों की कमी की वजह से बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो गए, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एक एक शिक्षक कार्यरत हैं, केवल एक एक शिक्षक, और एक से दो शिक्षा मित्र हैं। बताइए ऐसे में कौन सी शिक्षा वहाँ पर बच्चों को मिल पाएगी जहाँ पर 3-3 क्लास के बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाएगा। तो ऐसे में जो एक दो टीचर हैं वो अपना ऑफिशियल कार्य देखें, ब्यौरा तैयार करें, चुनाव में ड्यूटी करें, अन्य सभी चीज़ें करें, या बच्चों को पढ़ाई करवाएं। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, जहां पर अन्य प्रदेश और अन्य देश जो है लगातार शिक्षा के माहौल को जो है अच्छा बना रहे हैं, एक बेहतरीन शिक्षा बच्चों को प्रदान कराना चाहते हैं, ताकि नई पीढ़ी अत्यधिक शिक्षित हो, बेहतरीन हो, और जो है वैज्ञानिक ढंग से विकसित हो। वहीं पर हमारे प्रदेश की सरकार लगातार ऐसे छात्रों को कमजोर कर रही है जैसे उनको गुलाम बनाना चाहती हो। ऐसे में सभी छात्रों को जागरूक होना होगा, जैसे अगर हमारे साथ धोखा हुआ, जैसे हमने पिछले चुनाव में डटकर जो है इसका विरोध किया तो काफ़ी सीटें जो है हारना पड़ा सरकार को यूपी से, उसी प्रकार हम जो है सरकार को बदलने का काम करेंगे अगर सरकार जो है जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती जारी नहीं करती है।
इसके लिए आपको एसी में नहीं बैठना होगा, लाइब्रेरियों से बाहर निकलना होगा और घरों से बाहर निकलकर एक एकता में बंधकर, एकता के सूत्र में बंधकर एक ऐसा विरोध प्रदर्शन करना होगा जिससे छात्र जो है, छात्र की शक्तियों का जो है सरकार को अंदाजा लगे और सरकार जो है मजबूरी में हमको शिक्षक भर्ती दे। मैं सरकार से कहूंगा कि जहां पर शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा लगा करके एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है प्रदेश में लागू करनी चाहिए और शिक्षकों की उपलब्धता जो है अच्छी होनी चाहिए ताकि हर क्लास में कम से कम एक शिक्षक तो उपलब्ध रहे, एक प्रिंसिपल हो स्कूल में और कम से कम एक से पांच तक में कम से कम एक शिक्षक हर क्लास में उपलब्ध रहे ताकि एक बेहतरीन और शानदार शिक्षा उपलब्ध हो सके। तो साथियों वीडियो को शेयर करेंगे और एकता को दिखाएंगे और इतने दिनों से भर्ती ना होने के कारण जो है कितने छात्र जो है प्रतिवर्ष साथियों और प्रतिमाह की बात करें तो कितने साथी जो बीएड बीटी सीखी हुई हैं प्रतिमाह जो है वे आत्महत्या कर रहे हैं और निराशा हाथ लग रही है। माता पिता कितने मजबूर हैं और कितने छात्र मजबूर हैं जो लाखों रुपए खर्च करके साथियों एक कोर्स किए और उनको एक अंदाजा था कि कम से कम साल दो साल में हमको भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन केवल भर्तियां अखबारों तक ही सीमित रह गई। 51,000, 17,000 आश्वासन भी दिया गया चुनाव के समय और जो है हलफनामा भी सरकार द्वारा पेश किया गया कि 51,000 पद रिक्त हैं। साथ में प्रतिवर्ष जो है कितने शिक्षक रिटायर हो रहे होंगे केवल यही बताया जाता है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। हम कैसे मान लें अगर आप जो है भर्तियां नहीं कर रहे हैं तो जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे स्कूलों में, पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे नहीं आएंगे तो आपका शिक्षक छात्र अनुपात बराबर ही रहेगा। जो शिक्षा मित्र चयनित हुए हैं क्या वो पढ़ाने योग्य हैं, क्या उनके पास टेट सीटेट की योग्यता है, क्या उन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा है? नहीं, उनके पास कोई योग्यता नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है। और ऐसे लोगों को जो है एक केवल कार्यरत मतलब शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो ही उनको शिक्षा में जो है क्लास में उतारना चाहिए पढ़ाने के लिए, अन्यथा ऐसे लोगों को केवल जो है बैठा मतलब एक्स्ट्रा बैठाना चाहिए कि अगर विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं है तो उनके स्थान पर वो केवल शिक्षा दे सके, तभी बेहतरीन शिक्षा हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों को जो है समझना चाहिए सरकार को और आप सभी को जो है समझना चाहिए और एकता के सूत्र में बंधकर सरकार का जोरदार प्रदर्शन, जोरदार विरोध यहाँ से प्रयागराज से लेकर दिल्ली, प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक करना चाहिए ताकि जो है सरकार हिल जाए और मजबूरी में उनको भर्ती देना पड़े। तो ये सभी चीज़ें थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी साथियों। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और जो है चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें अथेंटिक न्यूज़ के लिए, यूपीटेट सीटेट सुपरटेट की तैयारी। एक वीडियो देखते हैं जिसमें रजत भाई काफ़ी अच्छा भाषण शेयर कर रहे हैं हम सभी के साथ और वहां पर सचिन सर भी जो है उपलब्ध हैं और उन्होंने भी कुछ चीजें हम लोगों को बताई हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक करके और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यूपी टेट सुपर टेट सीटेट की तैयारी के लिए भी, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, साथियों इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और एक बार पुनः जो है जाने से पहले सभी साथियों का और सचिन सर का आभार व्यक्त करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। लखनऊ की खंडपीठ ने बोला कि 27,000 की भर्ती 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार करे, लेकिन आप सोचिए कि अभी तक धरातल पर एक पैसे का काम ना आयोग से हो रहा है ना सरकार कर रही है। आयोग में जाते हैं, आयोग कह रही है कहता है आप निदेशालय से हमारे पास आदेश भिजवाइए, हम उससे भर्ती करेंगे। जब शासन स्तर के एक अधिकारी और खुद अध्यक्ष बने हो और वो ये चीजें कहे कि आप हम निदेशालय जाइए महानिदेशक से मिलकर कहिए, तो आप बताइए उन्हीं महानिदेशक के पास में 6 वर्ष तक आंदोलन किया जिसमें से उन्होंने हर बार यही बोला हो कि आप अपनी लड़ाई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास लड़िए। 5-4 वर्ष तो हमने शिक्षा सेवा चयन आयोग बनवाने के लिए लड़ाई लड़ी, अब जब अध्यक्ष महोदय नियुक्ति कर ली है तब कह रही है आप आदेश वहां से भिजवाइए। कुल मिलाकर जो अधिकारी है आपको गोल गोल चक्कर घुमाने का काम कर रहे हैं। अभी फिर हम कल वार्ता करने गए थे, उप सचिव जी कह रहे हैं आप थोड़ा सा और दबाव बनाइए थोड़ा लखनऊ स्तर से। आप बताइए शिक्षा मंत्री जी से हमने मिल लिया, मुख्यमंत्री जी से मिल लिया और अध्यक्ष महोदय से मिल लिया और महानिदेशक से मिल लिया, हर स्तर से हर व्यक्ति से मिल लिया, सब कह रहे हैं भर्ती दी जाएगी, लेकिन वो दी कब जाएगी? दरअसल भी कब आएगा भर्ती का विज्ञापन? क्या 6 वर्षों से केवल छात्र मानसिक अवसाद में होंगे? मैं तो सचिन जी से कहना चाहता हूँ हर महीने प्रयागराज का जो छात्र है हर महीने एक सुसाइड करता है ये लड़का छात्र, और मैं बारीकी से उन मुद्दों पे जा करके मैं बराबर उनके साथ खड़ा रहता हूँ। एक छात्र अभी 3 महीने से मैं बता रहा हूँ पहले एक छात्र छत्र कूद गया था रात में, 1 बजे मुझे फोन आया कि वो छात्र जो है छत्र कूद गया, उसको मैं भर्ती कराया स्वरूप रानी में। मैंने उसको समझाया देखो लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, हारे नहीं है, सरकार भर्ती देगी, थोड़ा देर है अंधेर नहीं है। आज वही छात्र हम सबके बीच में है, ये सुभाष जी 15 बैच के बेचारे, ये भी एक दिन ऐसे मन में गंगा जी के पास पहुंच गए थे, लेकिन किसी स्थिति में इनको समझाया आज गाड़ी चलाते हैं सर, ये रिक्शा चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, क्यों? आज छात्र जो है
इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, डीएलएड किया, बीटीसी किया, टेट पास किया, सीटेट पास किया, इतनी परीक्षाओं को पास करने के बाद अगर छात्र को नौकरी नहीं मिलेगी, बताइए वही रिक्शा चलाएगा उसे दुख होगा कि नहीं दुख होगा। मेरे तमाम साथी ऐसे हैं जो धरने में आए हैं, एकदम मानसिक अवसाद में है। यहाँ कोई पूरी अव्यवस्था है, धरना स्थल है, ये पूरी तरीके से अव्यवस्था है। न पीने के लिए टैंकर है, न यहाँ छत है। आप देख रहे सर, यहाँ पर आप आए होंगे, इतनी गर्मी लग रही है, छात्र किस स्थिति में यहाँ बैठे हैं, सबके चेहरे में पसीना है। क्या इनके माँ बाप देखते होंगे, दुख नहीं होता होगा कि हमारा छात्र कितने मेहनत से पढ़ाया लिखाया, आज हमारा लड़का रोड किनारे बैठ के भर्ती मांग रहा है। कौन किसको दुख नहीं होता होगा, कौन परेशान नहीं होता होगा। मैं बता रहा हूँ, हर घर के माँ बाप, मेरे माता पिताजी 2019 में जब हमें पुलिस ने मारा बबरता थे, वीडियो वायरल हुआ, हमारे गांव समाज के लोग मुझे कहते थे आपका लड़का रोड पे मार खा रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कहते नहीं, हमारा लड़का चोरी नहीं किया है, अपने हक अधिकारी के लिए लड़ रहा है, हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इसलिए साथियों, आप देखिए कि आपका आंदोलन इस बार फिर से मजबूती के साथ खड़ा है। आज सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। इस दुनिया में माता पिता गुरु यही तीन लोग हैं जो आपके हितैषी होते हैं, बाकी कोई आपका हितैषी नहीं है, कोई नहीं आपका हितैषी। माँ बाप सोचते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी, आपको नौकरी मिलेगा तो मेरा नाम होगा, और एक दूसरा व्यक्ति होता है, एक तीसरा व्यक्ति होता है माता और गुरु, जो सोचता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा नौकरी पाए और स्कूल में जाए और बताए कि मैं वहां उनसे पढ़ाता और नौकरी मुझे मिल गई। यही तीन लोग इस युग के आपके भगवान है। चौथा भगवान तो डॉक्टर है ही है, लेकिन आपके भविष्य के दो भगवान है माता पिता और गुरु। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके इस आंदोलन को, आपकी इस लड़ाई को अब सारे गुरुजन, सारे अध्यापक गण, सारी कोचिंग संस्थान एकजुट होकर लड़ने आ गई है। तो देर किस बात की है, आज हम सब जाएंगे, वार्ता करेंगे अध्यक्ष महोदय से और एकदम स्पष्ट कहेंगे कि आपको भर्ती देना है या नहीं देना है। देना है तो आज लिखित दे दीजिए, नहीं देना है उसी दिन आज के आज महा धरने की अगली डेट की तिथि निर्धारित कर दूंगा। और आप सब इस बार 10,000 नहीं 50,000 की संख्या में आप प्रयागराज की सरजमीन उतरने का काम करेंगे। क्या आप सब हमारा साथ देने के लिए तैयार है? तैयार है। तो मैं चाहता हूँ सर, आप तो और पहले हम लोग करते हैं। देखिए वैसे तो ज्यादातर बातें रहे जैसे आपको बताई दी है, रोज आप लोग सुन भी रहे हो, ऐसे में आपको जरूर बताऊँ। बाकी यही है कि जो अभी वार्ता होगी, एक सुखद वार्ता, मतलब उसके परिणाम आपको बता ही रहे जैसे हम आज प्लान करेंगे, बाकी की सभी इससे खराब होती है, अभी देखते हैं जाकर क्या मतलब चीज होती है, उसके बाद एक जगह आपको जानकारी दे बताइए क्या होगा क्या होगा। बाकी आप लोग दूर बैठे हो तो थोड़ा सा ख्याल में बैठ सकते हो, क्योंकि यहाँ पीछे बैठे हुए हो अगर सर। दिक्कत ये है कि धरना स्थल पर छाया, यहाँ छत की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ